इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारा विशेष नेतृत्व तो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष परम सदस्य आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता परम सदस्य आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारा प्रदेश और देवास शहर लोकसभा का जो शीर्ष नेतृत्व है, इनका बहुत मैं आभारी हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे विश्वास मेरे पर जताया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस, देवास की लोकसभा सीट आप सबके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस कैसे जीतेगी, वो भारी बहुत चुनाव जीते। पूर्व के भी सांसद भारी बहुमतों से पहले विजय हो चुके, क्या चुनौती मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के? सबसे पहले तो जो सांसद जी है, निष्क्रिय सांसद जी है, ये सवाल तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि 5 साल उन्होंने क्या किया, क्या कुछ लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? 5 साल के क्या वो जनता के बीच में गए, क्या उनकी उपलब्धि है, आप उनसे पूछो। उनसे आप क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता के लिए 24 घंटे में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं तन मन धन से जनता की मदद करूँगा। और आज की तारीख में जनता ही सर्वप्रिय है। बाकी साढ़े चार कांग्रेस चुनाव जीतेगी। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जितने भी कांग्रेसी बड़े नेता है वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपके सामने एक सांसद महेंद्र सोलंकी है, दूसरे साइड आप हैं, निष्क्रिय सांसद है बस। आप गाँव में पूछो, क्षेत्र पूछो कि वो क्षेत्र में गए क्या, निष्क्रियता कैसे मान रहे हैं आप उनकी? बोल रहा ना, आप गाँव में जाके क्षेत्र में देखेंगे। मोदी लहर चल रही है, उसके बाद मोदी लहर, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता की लहरी मूर्ति है, राम मंदिर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मुंबई के राम मंदिर जी। अभी ईश्वर के ईश्वर का हमारी आस्था है, वो रहेगी, उसमें क्या, हर आदमी हर इंसान की अपनी अपनी वो रुचि है, कोई हनुमान जी की पूजा करें, माता जी करें, कहाँ जाए, वो उसकी व्यक्तिगत रुचि है। देवास क्षेत्र जो आपके लिए एक नया क्षेत्र नहीं, फिर मेरे पूछे बाबू जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, पुत्र हैं, मैं जनपद जिला पंचायत जो विधानसभा लड़ा हूँ, अभी मध्य प्रदेश रोजगार का एक ही समिति का अध्यक्ष हूँ, महामंत्री रहा हूँ, जिला खंड मंत्री रहा हूँ। जिस तरह से आज जो आपने भगवान के चरण में आकर पूजा अर्चना की, किस तरह से जो है आज आपने तैयारी की? तैयारी कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, यहाँ का हर मतदाता, हर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सब राजीव पाली के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव पाली चुनाव लड़ रहा, कांग्रेस का आप कार्यकर्ता, आप नेता बोली, सब कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं। में देखा जा रहा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, इससे कांग्रेस चुनाव जीते में देखा जा रहा है, लोकसभा क्षेत्र में कई कांग्रेस ही भाजपा का दामन थाम रहे हैं।
नहीं मानते इस चीज को आप? नहीं नहीं, निष्कासित है सब लोग पहले ऑलरेडी। चलिए साढ़े चार बजे बात करते हैं।